हेलो फ्रेंड्स, जय सियाराम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कन्हैया का ये पजामा कैसे बनाया। मैंने इसके लिए टोटल 9.5 इंचेस चौड़ा और 10.5 इंचेस लंबा पेपर लिया है, और 9.5 इंचेस लेने के बाद में ऊपर से मैंने 4.5 कन्हैया के जो ऊपर से लेके नीचे तक का जो स्पेस आ रहा था वो 4.5 इंचेस था, तो 4.5 इंचेस नीचे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था। और इधर मैंने 1.2 इंचेस छोड़ करके यहाँ से एक स्लिट लाइन कर लिया है, और ठीक इस इधर मैंने 1.5 इंचेस पे मैंने एक स्पॉट करके इसको थोड़ा सा राउंड करके किया है, जो कि बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। और इधर मैंने 1.5 इंचेस पे मैंने ये डॉट किया, ये लेग नीचे का पोर्शन है, पाँव का 1.5 है, और मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद 6 इंचेस छोड़ के फिर 2 इंचेस पे मैंने एक डॉट ड्रॉ किया है और ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, 1.5। ये फर्मा बनने के बाद में कन्हैया का पजामा बहुत सही बनेगा। आप 12 इंचेस या 15 इंचेस के विग्रह के लिए अगर बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने कन्हैया का नाप ठीक से लेना होगा। अगर आप 12 इंचेस के लिए बनाने जा रहे हैं तो इसमें से 2-2 इंच कम होगा, और अगर आप 15 इंचेस के लिए बनाने जा रहे हैं तो इसी माप में ही 1-1 इंच आपको हर जगह कम होगा। बाकी आप अपने कन्हैया का नाप लेके बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 पीस सिल्क का कपड़ा और 2 पीस डार्क ग्रीन कॉटन कपड़ा कट कर लिया है, और ये बेक ऊपर में और नीचे में 1-1 स्टिच कर लेंगे, फिर सामने फोल्ड कर देंगे। ये मैंने ऊपर और नीचे स्टिच कर लिया है और इससे राइट साइड में फोल्ड कर लिया है। अब ये दोनों का बैक साइड एक साथ स्टिच कर लेंगे। और ऐसे ही फ्रंट साइड भी स्टिच कर लेंगे। बैक साइड और फ्रंट साइड मैंने स्टिच कर लिया है, और फिर इसको ऐसे मोड़ लेना है और यहाँ से 1 स्टिच आएगा। ये बैक साइड है, लेकिन इसको राइट साइड में करके बैक साइड से ही पीछे 2 जगह कट कर लेंगे। इसको अपने राइट फोल्ड करके भी कर सकते हैं। और जहाँ कट किए यहाँ पर अपने पट्टी भी लगा सकते हैं, और मैंने यहीं पर इसी कपड़े को मोड़ करके स्टिच कर लिया है। इसको इस तरीके से मोड़ कर मैंने स्टिच कर लिया। आप दूसरी पट्टी भी लगा सकते हैं। ऐसे करके मैंने चारों साइड में स्टिच कर लिया है, और मैंने इसको पहले राइट साइड में किया नहीं था, तो अभी मैं इसको राइट साइड में करके दिखा रही हूँ। अब ये राइट साइड में हो गया है। अब इसको यहाँ पर मैं 4 बटन लगाऊंगी, 1, 2, 3, 4, और इस साइड भी 4 बटन आएंगे। और ये मेरे कन्हैया के फिटिंग बहुत ही अच्छा आया। इसमें नीचे मैंने लेस लगाई है। इससे पहले मैंने 2 पजामे बनाए, वो मेरे सही नहीं बैठे थे, लेकिन ये पजामा का फिटिंग बहुत ही अच्छा बना।
पजामा बनाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक दो बनाने के बाद हाथ पूरा सेट हो जाता है। थैंक यू, जय सियाराम।